हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जो कि स्टायरलेस जोन पर। इस बार जो है फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट जो कि 2023 की निकल कर आ चुकी है, जिसमें कि फ्रेंड्स मल्टीपल पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि पैकिंग, स्कैनिंग, लोडिंग अनलोडिंग और भी कई सारे अन्य डिपार्टमेंटों के अंदर जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो भी महिलाएं हों या पुरुष हों, अगर यूपी में ही जो रहकर यूपी में ही मतलब फ्लिपकार्ट में काम करना चाहते हैं, या नोएडा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा गुड़गांव से, अगर आप लोग अपने ही लोकेशन पर काम करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से काफी अच्छी और बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो सिंपल मैं आप तरीके से अप्लाई भी करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो इसमें आपको अप्लाई करना है, ताकि 100% आपको इसमें रेस्पॉन्स देखने को मिले। और जो भी फ्रेंड्स अगर कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, अगर वो फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो वो भी कैंडिडेट जो है फ्लिपकार्ट इस कंपनी के अंदर जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, फुली डिटेल्स देखने के बाद ही आप लोग इसमें आवेदन कीजिएगा। तो चलिए डिटेल्स की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि जैसे ही न्यू जॉब की पोस्ट हो आप लोग तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इसके डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है कंसल्टेंट से रिलेटेड और सीनियर एग्जीक्यूटिव और भी कई सारे मल्टीपल पोस्टों में जो है वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कंपनी नेम की फ्रेंड्स, तो कंपनी का नाम जो है फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की ही तरफ से जो इस बार वैकेंसी निकाली गई है। और काफी अच्छी बात यह है कि आपकी जॉब जो है परमानेंट जॉब रहने वाली है। अप्लाई करने का मोड जो है ऑनलाइन मोड है, जिसमें आपको कोई चार्ज पे वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपको क्लियरली जो है इसके डिपार्टमेंट देख लेने हैं दोस्तों। जो भी डिपार्टमेंटों में वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन भी इसमें डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव की जो पद है दोस्तों, जिसमें कि बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा, जिसकी लोकेशन आपकी गुड़गांव हरियाणा के अंदर रहने वाली है। काफी अच्छी लोकेशन दोस्तों निकाली गई है, बहुत कम वैकेंसी निकलती है फ्लिपकार्ट जो वो भी कंपनी के ही रूल्स की तरफ से जो भी परमानेंट जॉब पर। जैसे कि एचआर पार्टनर, जिसमें कि विशाखापट्टनम की आपकी जॉब रहेगी लोकेशन, और आंध्र प्रदेश में ये जो है लोकेशन आपकी पड़ती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एचआर पार्टनर नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें भी लोकेशन आपकी पटना के अंदर रहने वाली है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं जो भी फ्रेंड्स अगर पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एचआर पार्टनर की मतलब इसमें आप लोग वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर। और ऐसा नहीं कि एक पोस्ट पर एक ही पद है दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि कम से कम जो कि 9000 से ज्यादा पदों पर जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से इस बार जो है वैकेंसी निकाली गई है। सभी पोस्टों पर कई सारे एक साथ पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कंसल्टेंट से रिलेटेड, तो जो भी फ्रेंड्स अगर कंसल्टेंट का काम करना चाहते हैं और फ्लिपकार्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। लोकेशन आपकी गुड़गांव हरियाणा के अंदर रहने वाली है। एसोसिएट डायरेक्टर की, जिसमें कि कंट्रोलर से वर्क आपका रहेगा, और इसमें भी आपकी लोकेशन गुड़गांव हरियाणा में रहेगी। एसोसिएट डायरेक्टर, जिसमें कि सेल्स से रिलेटेड यात्रा की तरफ से आपका जो वर्क रहेगा, उसमें भी दोस्तों आपकी लोकेशन नोएडा के अंदर रहने वाली है। हर एक लोकेशन पर जो है इस बार वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है। आप बात कर लेते हैं मैनेजर की, जिसमें कि दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा, लोकेशन भी आपकी हैदराबाद के अंदर रहने वाली है। सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं, जिसमें कि लोकेशन आपकी ग्रोसरी कोलकाता 3PL जो कि MLL वेस्ट बंगाल के अंदर रहने वाली है। और भी बात कर लेते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें भी लोकेशन आपकी लखनऊ के अंदर रहने वाली है। तो जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर वो लखनऊ में काम करना चाहते हैं, या नोएडा में काम करना चाहते हैं, या जैसे कि गुड़गांव के कैंडिडेट हैं, हरियाणा में काम करना चाहते हैं, और आंध्र प्रदेश की भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है, और वेस्ट बंगाल से लेकर पटना बिहार हर कहीं कैंडिडेट के लिए जो है इसमें वैकेंसी निकाली भी गई है। और भी कई सारी पोस्टें हैं दोस्तों जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है। मैं आपको नोटिफिकेशन में अभी चेकआउट करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और लोकेशन की बात कर लेते हैं, आपको साथ में बताई दी है कि मल्टीपल लोकेशन है, साथ में मैंने मेंशन भी की है। इसी तरीके से वेबसाइट पर भी आपको मेंशन साथ में देखने को मिलेंगी। और नोट आपको पढ़ लेना है, प्लीज भी अवेयर है फ्रॉडलेंट कॉल्स और ईमेल से आपको बचकर रहना है। कोई फेक जॉब ऑफर करता है, उसके बदले पैसे वगैरह डिमांड करता है, तो समझ जाइए वो स्कैमर है, आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिलने वाली है। और अगर आप ऐसा कुछ भी करते भी हैं, पैसे वगैरह देते भी हैं, तो उसके जिम्मेदार भी फिर आप सुनेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से सिर्फ आपको अपडेट शेयर की जाती है, किसी को जॉब वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती है। आप इसके क्वालिफिकेशन और बाकी मैंने कर ही ली है, तो बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो वो भी आपको बता देते हैं। चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऑल ओवर पैन इंडिया के सभी कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि दोस्तों इसमें महिलाएं पुरुष दोनों कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकेंगे। अगर लड़के भी काम करना चाहते हैं, तो लड़के भी और लड़कियां भी जो है इसमें एलिजिबल फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से रहने वाली है। एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं, तो अलग अलग पोस्ट वाइज जो है आपकी क्राइटेरिया रहने वाली है दोस्तों, अलग अलग आपकी एज रहने वाली है। जैसे कि मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम की बात बता देते हैं, तो दोस्तों 52 ईयर्स तक के जो है सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब क्वालिफिकेशन की तरफ चल लेते हैं, तो हाई स्कूल पास आउट, 12 पास आउट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक दैट बीटेक, एमटेक, कुछ भी अगर आपने बीएबीएससी भी किया है, तो भी आप लोग जो है फ्लिपकार्ट कंपनी में आवेदन कर पाएंगे। सभी पोस्टों में अलग अलग आपकी जो है पोस्ट रहने वाली है क्वालिफिकेशन वाइज। सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो सैलरी आपकी अलग अलग रहने वाली है। तो सैलरी बिल भी अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफिकेशन अप्रॉक्सिमेटली जो मिनिमम आपकी सैलरी रहने वाली है 18,000 पर मंथ, और 18,000 से लेकर 52,000 पर मंथ तक आपकी जो है मैक्सिमम सैलरी इसमें देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल के हिसाब से दोस्तों। और डू चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पोस्ट वाइज आपकी सैलरी भी अलग अलग देखने को इसमें मिल जाएगी। अदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो कैंटीन हुए, फूड हुए, रूम हुए, जो भी फैसिलिटी कंपनी में अवेलेबल होंगी, सभी चीजें इस पर कंपनी पॉलिसी आपको भी दोस्तों जो है प्रोवाइड की जाएंगी। एप्लीकेशन फीस आपको देख लेना है, 100% फ्री है सभी कैंडिडेट के लिए, किसी को एक भी पैसा वगैरह पे नहीं करना है। और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही आपको जो है
इसमें अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात कर लेते हैं तो अलग है इसका दोस्तों, जैसे कि कैंडिडेट विल बी बेसिक ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ऑन स्पॉट जो है आप लोगों को जॉइनिंग लेटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। और ऐसा नहीं कि हर किसी का इंटरव्यू होगा, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों का कोई मतलब हार्ड इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ओनली नॉर्मल उनके अबाउट के बारे में पूछा जाएगा और ऑन स्पॉट उन लोगों को जो है काम दे दिया जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन मतलब किस डेट को एलिजिबल रहने वाले, कब कब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और एंड भी दोस्तों मिनिमम जल्द से जल्द हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को जो है अप्लाई कर देना है, आज ही अप्लाई करना है। अगर आप लोग दोस्तों मतलब कि 2 मंथ के बाद में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है रिस्पॉन्स इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें आज से 2 मंथ तक आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2 मंथ ऐसा नहीं कि हर एक पोस्ट में, अलग अलग पोस्ट पर दोस्तों ये डेट एलिजिबल रहेगी अप्लाइंग। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव विजिट द ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट, उसमें आपको डेट और चेक वगैरह चेक कर लेनी है नोटिफिकेशन को। जब आप उसमें एलिजिबल हो तभी आपको जो है इसमें फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के वक्त जो है आपके पास CV प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और सभी रेलिवेंट ट्रेड में अच्छे से आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट फिलआउट करने हैं। फिलआउट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट कर देते हैं तो जो है आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, उसके बाद जो है सिर्फ आपको अपडेट रहना है। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तभी आपको जो है इसमें जाना है। तो सिंपली अप्लाई लिंक आपको कहां पर मिलेंगे देखने को, तो अप्लाई लिंक जो है दोस्तों चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक हियर, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ही दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहीं पर आपको जो है अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगी। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने जो है नया पेज पॉपअप होकर आ जाएगा दोस्तों, जो है इस प्रकार से खुलेगा, एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को। ये फ्लिपकार्ट की ही दोस्तों वेबसाइट है, आपको इसको चेकआउट भी कर लेना है और ये सभी करंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएंगी। जो जो पोस्टें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर कंट्रोलर प्रोग्राम, जिसमें कि बैंगलोर रहने वाली है और कर्नाटका रहने वाली है, हर प्रकार के अलग अलग लोकेशन इसमें दी गई हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने पोस्टें बताई हैं कि वो यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मैनुअली सर्च करके आपको बताई थी। जैसे कि इस तरीके से जैसे आप लोग सर्च बटन पर टैप करते हैं, तो जैसे कि नोएडा सेलेक्ट कर लिया, लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, हैदराबाद कर लिया, पटना, बिहार, जो भी हैं दोस्तों, आपको इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इस पर कट करेंगे तो आपको ये सभी पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही आप जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पर भी, तो आप लोग जो है उसमें वहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ, सिंपली आप लोग उसी तरीके से जो है अप्लाई इसमें कीजिएगा। तो जैसे मैं ये सीनियर एग्जीक्यूटिव की जो पद है इसको मैं आपको एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ, उसी तरीके से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। जैसे आप इसने इस पर टैप किया तो आपके सामने ये पोस्ट पूरी खोलकर आ जाएगा पेज नया, जिसमें कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी, और स्किल्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, लोकेशन आपकी दी गई है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसमें दी गई है, सभी चीज़ें दी गई हैं। फ्रेशर्स लेकर वन ईयर तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग यहां से जो है अप्लाई बटन पर जैसे आप लोग टैप करेंगे तो आपको अकाउंट बनाना रहना, और अकाउंट बनाने के बाद दोबारा से आपको साइन इन करने के बाद पेज नया खुलकर आ जाएगा, जिसमें सभी जानकारी आपको रेलिवेंट ट्रेड में फिल आउट करके ही आपको जो है सबमिट कर देना है। तो सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरीके से जो है नेक्स्ट पोस्टों में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद दोस्तों।